हे फैमिली, सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग। राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। तो आज हम लोग जाने वाले हैं बाबा की नगरी काशी, जहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप लोग अपने गांव जाते हैं तो काशी नगरी जरूर जाइए, महादेव का दर्शन करिए, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ये भी है काशी, जो कि काफ़ी माना जाना जगह है। और यहाँ जो भी दर्शन करता है, और कुछ हमारे साले साहब बताएंगे, क्योंकि ये काशी के बहुत करीब है और इनके घर से बहुत पास करीब काशी पड़ता है, तो क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सुबह के गुड मॉर्निंग। बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ, जो कि एक देवों के देव महादेव की नगरी है, और जा रहे हैं सब मेरे वजह से, महादेव सब लोग जा रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पहले मैंने बोला था, क्योंकि गाड़ी में जगह नहीं है और बाकी लोग बाइक से जा रहे हैं। मैं तो कितनी बार गाड़ी में जगह नहीं होती, दिल में जगह होती है। मतलब ये 2-3 दिन से छुट्टी कर रखे हैं, काम पे नहीं जा रहे, तो इसलिए बोल रहे हैं कि आज हम जाएंगे, अब छुट्टी नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं जाने वाले हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा पैसे की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। तो मैं बात कर रहा था बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ, जो कि एक त्रिशूल के नोक पे पूरी काशी जो कि बसी हुई है, और वहाँ का नज़ारा भव्य होता है। और बाकी हम लोग जीजा के ब्लॉग में देखिएगा, जो भी लोकेशन दिखाएंगे, जो भी मंदिर दिखाएंगे, आप वो देखिएगा। बाकी आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लो, आप लोग को पता चल जाएगा। बाकी हम लोग पिछली बार आए थे तो हम और वंदना जी और ऋषभ बाइक से ही गए थे, और काफ़ी अच्छा था। इस बार हम लोग सब कार से जा रहे हैं, और सोनाक्षी का बर्थडे था, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने कार किया है, और कार में सब लोगों को ले जा रहे हैं, जितने तो लोग पहली बार जा रहे हैं, जितने लोग कार में आ रहे हैं, बाकी और 2-4 लोग तो बाइक से ही आएंगे। मतलब पहली बार जा रहे, वरना गई भी नहीं थी, मुझे क्या पता कि काशी, मतलब काशी ये तो पता था कि काशी विश्वनाथ का, लेकिन गई नहीं थी और अंदर का सीन नहीं देखा था। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग सोनाक्षी आज जाएंगी दर्शन करने के लिए। ऋषभ तो कर चुके हैं, सोनाक्षी पहली बार जाएंगी, और कल खूब रो भी रही थी। अभी क्या बोला मेरा नाम, फिर से बोला? सोनाक्षी। अभी सोनाक्षी, सोनाक्षी तो क्या होगा, सोनाक्षी सोनाक्षी में क्या हुआ? तो और सब मिलाते हैं, घर में क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे ऋषभ और कृतिक तैयार हो गए हैं। कृतिक इधर देखो, ए कृतिक, सुबह उठ के मोबाइल चला रहे हैं, बुबू बुबू। और ऋषभ जो है कृतिक को खिला रहा है, और दोनों साथ में बहुत खेलते हैं, अच्छा लगता है। और इधर हम भी तैयार हो गए, विनय को बोला तो विनय बोल रहे हैं नहीं जाएंगे, इनका नींद पूरा नहीं हुआ। विनय दोनों पहले तैयार हो गए यहाँ पे, तो मम्मी नहीं जा रही क्योंकि स्कूल का टाइम है और स्कूल चल रहा है, और बोली कि हम छुट्टी नहीं लेंगे, पहले भी बहुत छुट्टी कर चुकी है। हाँ, और रात को बोलेंगे चलेंगे। विनय विनय देखो, जिसका जाने का मन रहता उठ जाता है, रात में बोले चलेंगे और इस टाइम सो रहे हैं, नींद ही नहीं पूरा, वो नहीं जा रहे हैं। तो इधर किचन में दिखाते हैं, मम्मी भी अभी तैयार होकर स्कूल के लिए जाएंगी, और ये तो मना ही कर चुके हैं। ये देखो छोटी की छोटी बहन परी, ये भी तैयार हो गई है काशी जाने के लिए, और इनकी मम्मी भी साथ में चल रही हैं। छोटी होती तो छोटी भी जाती, तो छोटी नहीं है इसलिए ये जा रही हैं, उसकी जगह ले ली है। अच्छा, नहीं। तो इनका नाम परी है और छोटी की छोटी बहन है आर्या। छोटी का नाम जानवी और परी का नाम आर्या, और इसकी बड़ी वाली बहन का नाम आर्या। तुम्हारा आर्या नाम है? आज हम जाना, हम तो परी ही जान रहे थे, तो जैसा नाम है वैसा परी है भी, काफ़ी खूबसूरत, अच्छी, समझदार, और वैसे इनकी बहन भी। और ऋषभ मेरा बेटा क्यूट सा तो है ही, समझदार। तो फाइनली हम बैठ चुके हैं कार में आगे, और हमारे साथ में है ऋषभ जायसवाल, बाकी सब लोग पीछे वाली सीट पर बैठ चुके हैं, और इधर हमारे ड्राइवर भैया हैं, और उधर दीपक जायसवाल जो है कि वो जाने से मना कर चुके हैं पहले ही। पंकज कहाँ गए हैं? तो इनका परिवार देख सकते हैं बाइक से सफर कर रहा है, क्योंकि बैठा केला लेते, केला ले रहे हैं। बनाना
गंगा जी में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी आ गया, जिसकी वजह से वहाँ पे जाने का रास्ता बंद कर रखा है, किसी को आने नहीं दे रहे, नाव भी बंद पड़ा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है। सावन को, सावन में ज़्यादा भीड़ था, अभी तो भीड़ कम हो गया। इधर तो महादेव का मंदिर आगे है। सब देखो पानी में कितना मस्ती कर रहा है, अभी गिर भी गया था ना, तो चलते हैं। सब लोग देखो यहाँ बैठे हुए हैं, चलते हैं। ऋषभ देखो मेरी गोदी में है, ऋषभ उठा नहीं पा रहा हूँ। ऋषभ बंदर की तरह 20 किलो का तो 20 किलो तू तो 100 किलो के। ऋषभ 20 किलो का। तो सब लोग यहाँ देख सकते हैं विश्राम कर रहे हैं, महादेव का दर्शन किया, वीडियो बनाया, रील्स बनाया, सब पानी भी तो बंद हो गया, क्यों बैठे हो? तो हमने ले लिया था 2 बोतल पानी और 1 कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक क्योंकि केन जो था 70 रुपये का था और इतने लोग थे तो आ नहीं पाते, तो मैंने 1 केन लिया था, उसी में मैंने थोड़ा सा पिया और सभी बच्चों को पिलाया ना ऋषभ। मैंने अकेले पिलाया तो सभी बच्चों को शेयर करके पिला दिया, और बाहर चलेंगे फिर 1 केन और 1 बोतल लेंगे, तो वो वाला सबको पिलाएंगे। तो सब लोग पीछे पीछे आ रहे हैं और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, देख सकते हैं मेरे पीछे सब चले आ रहे हैं। पापा 20-20 वाले लेना, एक एक सबको दे देना। अच्छा, तो ऋषभ कह रहा 20 वाला थम्सअप ले लेना और सभी को एक एक थम्सअप दे देना 20-20 वाला। हम कहे चलो बाहर तो निकलते हैं पहले, क्योंकि बारिश भी हो रहा है, कहीं जाने का भी मन नहीं करा, अभी यहाँ से मंदिर में ही है, मंदिर में ही घूम रहे हैं, तो मंदिर से बाहर कटहरा भी जाना है। हाँ, अभी हम लोग अपने घर भी निकल जाएंगे मंदिर से जाने के बाद, क्योंकि सोनाक्षी रो रही थी और बहुत कह भी रही थी कि हमें काशी जाना है, तो हम लोग यहाँ काशी चले आए, नहीं तो भी 2 घर के लिए निकल गए होते। अब यहाँ से घर जाएंगे, नए घर पहुँच गए, और घर से सामान वामान लेके तुरंत निकल जाएंगे अपने घर के लिए, तो मिलते हैं कुछ देर बाद। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, देख सकते हैं बनारस स्टेशन क्रॉस करते हुए, लेकिन यहाँ तो बनारस लिखा हुआ है, तो मड़ुआडी कहाँ से हो गया? क्या कर रहे हो? बनारस हो गया मड़ुआडी से। अच्छा, अच्छी बात है, मड़ुआडी से बनारस हो गया। मड़ुआडी स्टेशन बहुत अच्छा बन गया। दिक्कत हो रही है क्या परी? नहीं, जाम दिखा, दिक्कत होगा तो आगे आ जाना, ठीक है? बहुत लंबा जाम है, कोई होगा नहीं पुलिस वाला, इसलिए जाम होगा। कब का भैया? देख सकते लंबा चौड़ा जाम लगा हुआ है मड़ुआ डी पे, हम लोग चौराहे खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, गोल जाम जो देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, डबल स्टार हैं वो भी बेबस है, उनको समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। जनसा डाक गए बताओ, बाइक से थे और बाइक से चले गए, दोनों लोग आपस में बातें कर रहे हैं, क्या किया जाए इनका, ना क्या हुआ, क्या करवा रहे बच्चा लेके, लोग परेशान रहे, तुम क्या क्या करवा रहे हो, क्या नहीं करवा रहे हो, ये दोनों पुलिस वाले आपस में बातें कर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, तो कुछ डिसाइड कर रहे हैं, कुछ सोल्यूशन निकलेगा। भैया चले हैं हमारे वीडियो के माध्यम से देखते हुए कि भैया शूट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। फर्क बुलाई थे ने, वीडियो बनाने में कुछ फर्क पड़ता है ना, पड़ता है। हाँ, तो उन्होंने देखा और चल दिए कि भैया ऐसा ना हो कि हमें दिक्कत आ जाए। हाँ, अब यहाँ से चले हैं, फिर आगे भी दिखाएंगे आप लोगों को काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो भैया मेन सोल्यूशन निकल गया है, यहाँ पे पानी भरा हुआ देख सकते हैं, जिसकी वजह से काफी समस्या हो रही है। हाँ, अभी यू टर्न करके आना है, फिर उस तरफ से जाना है जाम में। ये देखो फ्लैट आ गया गाजियाबाद वाला। ये देखो बनारस में सब इतना ऊंचा। हाँ,
और लाइन चला जाए फंस जाओ लिफ्ट। तो ट्रैफिक वाले भैया उधर खड़े हैं, वो भी मजबूर हैं क्योंकि पानी भरा हुआ है। दो दो स्कूटी बंद हो गई, वो भी कुछ नहीं कर सकते, देख सकते कितना पानी है। वहाँ स्कूटी बंद हो गई बेचारे, स्कूटी भी बंद हो गया है, पानी बहुत ज्यादा है बनारस में। मोदी जी ने काम किया है लेकिन क्या करे, कितना काम करेंगे। ये सब काम सांसद का है, विधायक का है, मुख्यमंत्री का है, मोदी जी के। मोदी जी भी तो सांसद है यहाँ के, देखो गंगा जी सांसद ही प्राइम मिनिस्टर, सांसद है ना यहाँ से, सांसद। तो मोदी जी का काम यहाँ पे दिख रहा है और बाबा का बुलडोजर यहाँ चला हुआ है, आप लोगों को दिख जाएगा योगी जी का। सड़क चौड़ी होगी और फिर ये जाम से मुक्ति मिलेगी। बहुत टाइम लगे, देखा था यार। तो हम पुलिस वालों को भी दोष नहीं दे सकते क्योंकि पानी भरा हुआ है भाई, पानी में तो कोई उतर नहीं सकता। तो फाइनली काशी से दर्शन करने के बाद हम लोग लौटे थे और रास्ते में इनका मानता था, हम लोग मानता करने के लिए यहाँ पे श्री श्री शिवा दैत्रा वीर ब्रह्मा महा। तो देख सकते हैं पीपल का पेड़ है और काफ़ी बड़ा, बहुत पुराना मंदिर है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जो मान्यता होती है वो पूर्ण होती है। और खाटू बाबा की तरह लग रहे हैं ना। हाँ। क्या हाँ। और ये कौन सी जगह है? लोहतारा ना, लोहता, लोहता। और यहाँ पे कुछ लोग कथा भी सुन रहे हैं, दिखा देते हैं हमने वीडियो में। तो सबकी अपनी श्रद्धा होती है, तो सबकी अपनी श्रद्धा होती है, किसी की श्रद्धा महादेव में, कृष्ण जी में, श्री राम, सारे भगवान एक ही हैं, बस उनके स्थान अलग अलग हैं, वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे सब लोग देख सकते हैं अपना पूजा पाठ कर रहे हैं, दर्शन कर लें, हम लोग भी दर्शन कर लिए हैं। तो मिलते हैं वीडियो में कुछ देर बाद। तो ये मंदिर है और यहाँ पे सब लोग दर्शन कर लिए, तब जा रहे हैं घर की तरफ, प्रस्थान कर रहे हैं। यहाँ बंदा जी खा रहे हैं दाना। बड़ा तीन चार रुपए क्या है और क्या खाओगे? सब्सक्राइबर चलो यार, बहुत टाइम हो गया। कुछ खाओगी परी? चाय पियोगी? नहीं। चलो घर, चलो घर पे ही खाना पीना सब लोग। चलो आगे बैठो। तो फाइनली सब लोग पहुंच चुके हैं अपने घर पे। वन्ना जी मुखिया जो आगे बैठी थी, आगे का राम रहता है, पीछे नहीं, पीछे में दिक्कत होती है, आगे में उलझन नहीं होता है। जैसे नल्ला का भाई आपकी तरीका है। तेरा बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे है, नीचे है, नीचे। ए करा रिश्ता, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो हम सब काशी से घूम कर आ गए हैं और सोनाक्षी की जीत है कि चलो इनको छोटी से मिलवा दो। तो फाइनली हम सब निकलने वाले हैं छोटी के घर के लिए और सब लोग जाएंगे, आप सबको दिखाएंगे छोटी का घर कैसा है, छोटी कैसी है और क्या क्या है उनके दुकान पे, क्या क्या मिलता है। तो सोनाक्षी खुश हो गई है, चले चले अभी चले। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं छोटी के घर के लिए, मिलते हैं आप लोगों से।